हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन मिस कर रहे हैं, आपको कौन याद कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन मिस कर रहे हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन। ओके जी, तो सबसे पहले मैं साइन बताऊँ आपको, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है जी, अगर साइन आपसे मैच नहीं करते हैं तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर आपसे ये रेजोनेट करती है। ओके जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको कौन मिस कर रहा है, आपको वो पर्सन मिस कर रहे हैं। जा हो सकता है कि आप कहीं काम करते हो, ठीक है, यहाँ या आपके ऑफिस में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप काम करते हो और आपके साथ आपके काम करने वाले जो पर्सन है ना, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। शायद आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, काम अभी नहीं कर रहे हो, मतलब अभी आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ नो कॉन्टैक्ट है अभी, ठीक है। या हो सकता है कि ट्रैवल के दौरान आप किसी से मिले हो, आपकी उनसे बातचीत हुई है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी ऑनलाइन आपने आप दोनों ने व्हाट्सएप पे मतलब कैसे भी करके ना बातें खूब की है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ क्रिएट हुई है इस आप दोनों में, ठीक है, और उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे गाइस एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि हो सकता है कि जो आपको मिस कर रहे हैं ना, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो मैं गाइस ये बताने की कोशिश करूँगी कि इनकी लाइफ में अभी थोड़ा परेशानी बहुत चल रही है। शायद हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया नहीं है, इनकी लाइफ में अभी बर्डन बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब ये अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि इनको किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है, और अभी ये अपनी बात जो है वो खुलकर आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमियां क्रिएट हो गई, ठीक है, वो अपनी बात खुलकर बता नहीं पा रहे हैं और आप
को कुछ समझ ही नहीं है आपको, समझ का मतलब कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप समझोगे कैसे? आप अपनी जगह पर ठीक, वो अपनी जगह पर ठीक, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत इनकी लाइफ में चल रही हो सकता है, कि पैसों को लेकर हो या काम को लेकर हो या कोई भी, या हो सकता है कि इनको जॉब से निकाल दिया गया है या काम से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत दुखी है। और इनकी आदत कुछ ऐसी है कि अपना दुख जो है वो शेयर नहीं करते, अपनी तकलीफ़ का जो लेवल है वो किसी को बताना पसंद नहीं करते। अभी इन पर कहूँ, सच कहूँ कि कहते हैं ना कि दोहरी मार पड़ना, वो वाली बात हो गई कि एक तो कोई बर्डन रहे इन पर, चाहे वो घर से है या किसी भी तरीके से है या काम से है या जो भी मैटर है इनकी लाइफ का, उससे तो ये दुखी है ही है, लेकिन उस कहते हैं ना परेशानी की वजह से जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बन गई ना, उससे ये और ज़्यादा दुखी हो गए। कहीं ना कहीं वो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, आपको भी है गाइस, ठीक है? ये पर्सन ऐसे हैं जो मतलब समझदार है बहुत, इनको किस परिस्थिति में किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, कैसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ किस तरीके की बात करनी चाहिए, सब इनको समझ है इतनी। चाहे ये आपसे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मतलब समझदार बहुत हैं। शायद इनका काम, अगर ये आप दोनों साथ में काम नहीं करते ना, तो इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि इनको काम के सिलसिले में बाहर बहुत जाना पड़ता है, ठीक है? कुछ के लिए मैं बताऊंगी कि हो सकता है कि ये ऑनलाइन काम करे, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है ना, तो उस हिसाब से जो भी मैसेजेस आए वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। कि कुछ के लिए डेफिनेटली है कि ये कोई ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं, और अभी वो काम इनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो जिसकी वजह से भी ये बहुत दुखी है, इनको अपने फ्यूचर को लेकर ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर भी, क्योंकि ये आप अपना फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं ना, तो इनको ये लग रहा है कि अभी मैं इतनी व्यवस्था कर ही नहीं पा रहा हूँ तो आपको खुशी कैसे देंगे ये। आपको लेकर काफ़ी सारी इच्छाएं हैं इनकी, बहुत सारे सपने संजो के रखने होता ना, वो वाली बात कि एक अच्छा सा घर हो, मेरा ऐसा फैमिली रूम हो, मेरा फ्यूचर ऐसा हो इनके साथ, एक प्यार भरा कप कहते हैं ना कि समय के साथ देना, कि मेरी लाइफ में जब ये आ जाएंगे तो मैं अपनी ये खुशी जाहिर करूंगी या ये खुशी जाहिर करूंगा। काफ़ी सारे सपने संजो के रखे हैं इन्होंने और अब बताए भी नहीं है। मतलब इनका इंटेंशन आपके लिए मैं एकदम क्लियर जो भी रीडिंग आई है उसमें बताऊं कि टाइम पास वाला नहीं है गाइस, ये जो भी है, ठीक है ना? तो वेट आपको भी है, वेट उनको भी है, ये बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज करेंगे गाइस, ठीक है? इनका क्लियर है, आप वेट कर रहे हो, आप करना नहीं चाहते, लेकिन ये करेंगे, कॉल या मैसेज करेंगे आपको डेफिनेटली, और ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके साथ शादी को मैनिफेस्ट करते हैं ये पर्सन, ठीक है ना? एक तो ये कि कोई अगर लव रिलेशनशिप में हो, या अगर ये शादी का भी मैटर, अगर शादी का भी मैटर है और अभी आप सेपरेशन में हो ना, तभी मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, आपको कोई कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? तो ये मैरिज के लिए था, पहले लव रिलेशनशिप के लिए था, ठीक है जी? ओके, और आपको कौन मिस कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि कोई कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन शायद कोई गलतफहमी क्रिएट हुई है या कुछ वजह रही है जिसकी वजह से इनके साथ आपकी बातचीत नहीं है। ये कोई भी हो सकते हैं, शायद आपकी सिस्टर हो सकते हैं, माता जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो ये मिस कर रहे हैं आपको। इनकी बारे में मैं थोड़ा ये बताने की कोशिश करूँगी कि ये इनका इंट्यूशन बहुत तेज है, ठीक है? ये अच्छे कर्मास पर बहुत बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पर, गॉड पर इनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है,
और ये इतने समझदार हैं कि कब इनको दिल काम में लेना चाहिए, कब दिमाग काम में लेना चाहिए, यानी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ कर डिसीजन लेते हैं ना, ठीक है, वो इनमें है। तो ये जो भी लेडी है ना आपकी लाइफ में, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लेकर कहीं ना कहीं आपको कोई गलतफहमी क्रिएट हुई है और आप इनसे बात करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये अपनी गलतफहमी को दूर करना चाहती है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये आपकी मदर है ना, या सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, जो भी है गाइस, एक बार प्लीज़ जो भी गलतफहमी है ना, वो गलतफहमी को आप दूर करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो मैसेज आया है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर आप बैठकर बात कर लेते हो ना, तो आपकी सिचुएशन काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, काफ़ी गलतफहमी जो है ना वो दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गलतफहमी दूर होते हुए भी बताया जा रहा है। तो प्लीज़ गाइस देखो, एक ये समझ लो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइड किया जा रहा है कि एक चांस अगर किसी को देने से कोई बड़ा बात नहीं हो जाती। रिश्तों में अगर ये घर फैमिली से है ना, तो एक बार आपको चांस देना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, फिर आपका डिसीजन आपको क्या करना है, क्योंकि जो भी बात है ना वो क्लियर होगी, देखना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये गलत नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना गाइज। आप में से कुछ व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि कोई पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ कोई बहुत झगड़े किए हैं, बहुत आपको अपशब्द भी कहे हैं, ये बताऊंगी, ठीक है। मतलब ये इंसान पहले आपके बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर इन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है कि अब जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तो अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, ये आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन इन पर इनके बोले हुए आपको जो शब्द है ना, वही इनको चुभ रहे हैं अब, क्योंकि इनकी नज़र में पहले आप बहुत रेस्पेक्ट, मतलब आपकी बहुत रेस्पेक्ट थी, लेकिन आप शायद इनके शब्दों को भूल जाओ, लेकिन ये कभी भी उन शब्दों को नहीं भूल सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव रिलेशन का ही मैं बता रही हूँ, कोई भी हो सकते हैं ना, आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया ना कि किसी की मदर है या सिस्टर है, कोई तो एक कोई लेडी के बारे में बताया जा रहा है जो जिनके लिए गलतफहमी क्रिएट हो गई है, लेकिन वो गलत नहीं है और वो खुद चाहते हैं कि इस गलतफहमी को दूर किया जाए। तो हो सकता है कि आपको मतलब इस तरीके की सिचुएशन के बारे में पता चले कि वो गलत नहीं है, ठीक है, और आपने जो भी बुरा बिहेवियर करा है ना, या किसी ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है ना, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो आपकी तरफ बहुत जल्द माफ़ी मांगने के लिए आना चाहते हैं। उनकी विश है कि आप उनको माफ़ कर दो और एक लाइफ में दोबारा चांस दो, क्योंकि इनका बुरा बिहेवियर आपके लिए जो था ना, वो आप भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ये ऐसी गलती को वापस दोहराना भी नहीं चाहते, इन पर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी, मीन्स बहुत भयंकर तरीके का बहकावा कहते हैं ना, उसमें ये आए थे, जिसकी वजह से ना रिश्तों को कहते हैं ना ख़त्म कर देना अपने शब्दों से, वो किया इन्होंने। बट आपको पता था कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी समय के साथ साथ चीज़ें सुधरेगी और लाइफ में सब अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये उसी उम्मीद का परिणाम है गाइस, कि ये आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये वापस आपके साथ पहला वाला बिहेवियर चाहते हैं, कि पहले कैसे आप एक साथ हंसी खुशी बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे, चाहे फैमिली में भी हो ना तब भी। तो इनको अपनी गलती का बहुत भयंकर तरीके का गिल्ट है, और ये गिल्ट इनका तभी दूर होगा जब ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अगर ये आपसे दूर हैं, एक घर में नहीं रह रहे हो, तब भी ये बहुत जल्द आकर माफ़ी मांगेंगे गाइस, मांगेंगे, ठीक है ना।
तो गाइज जो भी लोग आपको मिस कर रहे हैं वो इस रीडिंग के जरिए बता दिया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन लोग हैं आपकी लाइफ में ये मिस करने वाले, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।